हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रेस्पिप्रेस सीएलएस सिरप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। रेस्पिप्रेस सीएलएस सिरप का इस्तेमाल मुख्य तो बलगम वाली खांसी में किया जाता है। आइए इस सिरप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये सिरप कैसे काम करता है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट है, इसके क्या साइड इफेक्ट है, इसका सही डोज क्या है, इस सिरप से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्मार्ट कंपनी का ये 60 ml का सिरप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 55 रुपीज़ यानी 55 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। रेस्पिप्रेस सीएलएस सिरप में लियोसाल्बुटामॉल सल्फेट 1 mg, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड IP 13 mg यानी 30 mg, गाइफेंसिन 50 mg ये कंटेंट समावेश है। इसमें मौजूद लियोसाल्बुटामॉल का उपयोग अस्थमा और कॉर्निक एब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर की समस्या के इलाज में किया जाता है। एम्ब्रोक्सिल का इस्तेमाल खांसी के ट्रीटमेंट में किया जाता है और गाइफेंसिन का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी में किया जाता है। चलिए इस सिरप के यूजेस के बारे में जानते हैं, इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल अस्थमा, दमा, खांसी, बलगम वाली खांसी, गले में दर्द, श्वसन नलिका में कसाव, छाती में कफ होना, इन समस्याओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अस्थमा या दमा वाली खांसी में भी यूज कर सकते हैं। डोज, आप अपनी समस्या बताकर इसका डोज अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये सिरप दिन में 5 ml 2 से 3 बार ले सकते हैं। आप इसे बच्चे को भी दे सकते हैं। आप इसे 5 साल के ऊपर के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। साइड इफेक्ट, अगर आपको इस सिरप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी तो आपको बताए गए साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से दस्त, अपचन, उल्टी, खुजली, सिर दर्द ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इसे यूज करते समय सावधानियां। इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से हिलाएं और बाद में यूज करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य सिरप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को जरूर दें। अगर आपको इस सिरप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो इसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को जरूर दें। इस सिरप का इस्तेमाल करने से पहले या बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन न्यूज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।